ये क्या चीज होती है, तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे घुटने में दो हड्डियां होती हैं, ऊपर की हड्डी को फीमर कहते हैं, नीचे की हड्डी को टीबिया कहते हैं। तो दोनों हड्डी के बीच में आप देख सकते हो कि एक पिंक कलर की चीज है और एक ब्लू कलर की चीज है। पिंक कलर की चीज को मेनिस्कस कहते हैं और जो ब्लू कलर की चीज है उसको कार्टिलेज कहते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र होती है वैसे वैसे ये मेनिस्कस और कार्टिलेज दोनों में डैमेज होना शुरू होता है, यानी वो घिस जाती है। गड्डी जो होती है वो कुशन का काम करती है, तो जैसे ही कुशन चला जाएगा हड्डियों में से, तो जैसे ही हम लोग वजन रखते हैं तो घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। ये बीमारी काफी आम है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आफ्टर 50 ईयर 60 ईयर्स के बाद काफी कॉमन है। और इसका मेन कारण है कि हमारी उम्र के हिसाब से जैसे ही हमारे बाल सफेद होते हैं वैसे ही घुटने में घिसारा शुरू होता है। इसके अलावा भी कोई चीज है, यानी कि फीमेल्स के अंदर 45 इयर्स के एज के बाद हार्मोनल चेंजेस शुरू होते हैं जिसके कारण हड्डियों में कैल्शियम कम होता है और हड्डियां कमजोर होने लगती है। इसके कारण भी ये घुटने का घिसारा जल्दी हो सकता है। और जैसे हम लोग ज्यादातर इंडियन कल्चर में हम लोग ज्यादा नीचे बैठते हैं, पलाट मारते हैं, खड़े पैर नीचे बैठते हैं, उसके कारण भी घुटनों पे काफी ज्यादा लोड रहता है। इसके कारण भी इंडियंस में घुटने का घिसारा काफी आम है।